Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today we will learn our national flag. Chapter number six के जो बाकी question बाकी थे बेटा grammatically वो आज हम लोग करेंगे grammar portion. Okay? तो चलो start करते हैं page number 55 of. Write the following sentence in the active voice. Food is cooked by mother. हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव तो हम करते हैं लेकिन यहाँ से पैसिव वॉइस से लेके एक्टिव करना है. तो फूड इज कुक्ड बाय मदर, तो मदर कुक्स फूड. एग्जांपल यहाँ पे दिया है. अब हम लोग पहले का देखेंगे. एप्पल्स आर सोल्ड बाय रामू. रामू सेल्स एप्पल्स. द पियोन पोएम इज टॉट बाय द टीचर. द टीचर टीच पोएम. द टीचर टीच पोएम. The bell is rang by the peon. The peon rings the bell. Songs are sung by us. We sing a song. Picture is drawn by Rima. Rima draws a picture. A book is ready by me. Read by me. I read a book. Balloons are bought by Nitin. Nitin buys balloons. समझ में आ रहा है ना बेटा. द फ्लैग इज होस्टेड बाय द प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल होस्ट्स द फ्लैग. क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय रामा. रामा वॉशेस क्लॉथ्स. पेपर बोट्स आर मेड बाय द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन मेक्स पेपर बोट्स. The soap is opened by Raju. Raju opens the soap. The classroom is decorated by the girls. The girls decorations the classroom. You cut the cake. The cake is cut by you. You cuts the cake. Bananas are eaten by the elephant. Elephant eats bananas. चलो हम लोग आगे देखते हैं. Write a paragraph on the Republic Day. Use the following points. एक paragraph लिखना है Republic Day के बारे में. यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट्स को जोड़. 26 जनवरी व्हाई इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे. नेशनल फेस्टिवल, ग्रेट जॉय, मेन फंक्शन इन दिल्ली, हाउ टू इट सेलिब्रेट ऑल ओवर द कंट्री. ये मैं आप लोगों का जो होमवर्क मैं दूंगी. अगर आपको होमवर्क नहीं आए तो मैं कल ये लिखवा लूँगी, नहीं तो आपको होमवर्क में ये मुझे पैराग्राफ करके बताना है. 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे जो है, मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ. 26 जनवरी द डे ऑफ द रिपब्लिक डे. Because the day our constitutions were declared Republic Day. National festival. It's our national festival. We are great enjoy in this festival. Main function in Delhi. The India Gate. President speech there and hosting the flag. All over country it's a celebrate a national as a national festival. इतना मैं आप लोगों को हिंग दी हूँ, इसके हिसाब से आपको ये जो है लिखना है. अब इसके बाद हम लोग वर्ड बिल्डिंग देखेंगे. सफिक्स ग्रुप में कुछ लेटर्स हैं
जॉब. वर्ड विद सफिक्स एबल, अवेलेबल, कैपेबल, एटेबल, फेवरेबल, ऑनरेबल, इमीडियबल, लाइकेबल, लवेबल, मेमोरेबल, मिजरेबल, मोटेबल, रिमार्केबल, रेस्पेक्टेबल, सुटेबल, अनफॉर्गेटेबल, अनमिसेबल, वॉसेबल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, चेयरफुल, कलरफुल, डिलाइटफुल, डाउटफुल, फॉरगेटफुल, फ्राइटफुल, ग्रेटफुल, हार्मफुल, हेल्पफुल, होपफुल, मैरिजफुल, पेनफुल, पावरफुल, स्कलफुल, सॉरोफुल, सक्सेसफुल, थैंकफुल, ट्रूथफुल, यूजफुल, वंडरफुल. ओके, अब थ्री में देखेंगे लेस वाले. केयरलेस, हैंडलेस, फियरलेस, हार्टलेस, होमलेस, होपलेस, पावरलेस एंड अनलेस. अब देखेंगे हम लोग ATION एशन वाला. एडमिनिस्ट्रेशन, कंसिडरेशंस, कंजर्वेशन, क्रिएशन, डिटर्मिनेशंस, ड्यूरेशन, एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, हेजिटेशन, इलस्ट्रेशन, इमेजिनेशन, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, प्लांटेशन, प्रिपरेशन, प्रोनाउंसेशन. वर्ड वर्ड विथ सफिक्स सियोन, एडमिशन, कंक्लूशंस, कंफ्यूजन, डिसीजन, डिविजन, एक्सपेंशन, परमिशन, टेंशन. वर्ड विथ सफिक्स हाउस कंटिन्यूस, करेजियस, डिलीशियस, फेरोसियस, फ्यूरियस, क्लाउड, प्रिसियस, पोस्पिरियस, रिडिकुलियस. वर्ड विथ सफिक्स नेस ब्राइटनेस, क्लीननेस, क्लेवरनेस, डार्कनेस, हैप्पीनेस, इलनेस, सैडनेस, सिकनेस, वीकनेस. वर्ड विथ सफिक्स मेंट एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, आर्ग्यूमेंट, अरेंजमेंट, डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, गवर्नमेंट, मूवमेंट, एंटरटेनमेंट. अब जो सफिक्स हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है उस सफिक्स को जुड़ कर ही हमको ये वर्डिंग लिखना है. जैसे कि मानो हर्ष इज अ करेजियस बॉय, करेज है इसलिए हम लोग करेजियस. आई लाइक द फ्लावर अरेंजमेंट इन द हॉल, अरेंज है इसलिए यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है अरेंजमेंट. माई ट्रिप टू द हिमालय वॉज एक्सपीरियंस, मेमोरी है इसलिए हम लोग क्या लिखा है मेमोरेबल. फादर विल गिव मी परमिट है इसलिए परमिशन टू गो फॉर द पिकनिक. मिस्टर ब्रास इज ए रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, रेस्पेक्ट है इसलिए रेस्पेक्टेबल. द पीकॉक इज अ यूजफुल ब्यूटिफुल बर्ड, ब्यूटी है इसलिए ब्यूटिफुल. वट इज द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस, हैप्पी एटले हैप्पीनेस. सोनल फेल्ड इन मैथ्स, ही वॉज केयरलेस, केयरलेसली केयरलेस. आई हैड लॉन्ग कंजर्वेशन विथ माई फ्रेंड, कंजर्वेसले कंजर्वेशन. वी हैड ए ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम टू द प्लांटेसले प्लांटेशन. बीरबल वॉज नोन फॉर हिज क्लेवरनेस, क्लेवर है इसलिए क्लेवरनेस. स्टूडेंट्स फ्रॉम अवर विलेज टू गो टू द सिटीज फॉर एजुकेशन, एजुकेटर्स ले एजुकेशन. क्लीन लाइनेस इज गुडनेस, गुड लाइन्स. लुक एट दोज कलरफुल फ्लावर्स, कलर है इसलिए कलरफुल. देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द विलेज, डेवलप है इसलिए डेवलपमेंट. अनुज लुक्स वीक बिकम ऑफ सिकी नोज, शिक एटले सिकनेस. अब देखो डिलीशियस, देखो यहां पे हम लिख रहे हैं करेजियस, CORM
G-O-U-S, courageous. Second में ferocious. PCS. PCS. अब जो है लास्ट लिखो PGS. अब जो है हम लोग इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल वॉसेबल, मतलब ए बी एल देख के हमको जोड़ना है. कैपेबल, रेस्पेक्टेबल, मेमोरेबल, ऑनरेबल, लवेबल, रेडी. चलो अब इसके बाद में देखेंगे मेंट, डेवलपमेंट, अबे अरेंजमेंट, एनकरेजमेंट, मैनेजमेंट, अमेंडमेंट, अब जो है यूजफुल, कलरफुल, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, देखते हैं अभी. चलो चलो थैंकफुल, ट्रूथफुल, सैडनेस, केयरलेस, यहाँ पे गलत हुआ था बेटा, यहाँ पे नेस आएगा, मैंने लेस कर दिया था, इसे मैंने ठीक कर दिया है. देख लेना आप, देखो यहाँ पे केयरलेस, होपलेस, फियरलेस, हार्मलेस, यूजलेस, पावरलेस. अब देखो इसके साथ हम लोग लिखेंगे टेंशन, SION, SION, एडमिशन, डिसीजन, डिविजन, एडमिशन, कंफ्यूजन, एक्सप्रेशन, परमिशन, परमिशन,
टेंशन। चलो अब लोकेशन, ऑक्यूपेशन, डिसीजन, अब जो है रिवीजन, कंफ्यूजन, रेडी। तो चलो बेटा आज हम लोग जो है इतना लिख लिया है, और यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग लिख के यहाँ पे कलर करना है। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके बाद राइटिंग पैसेज है वो मैं लिखवाऊँगी। होमवर्क में आपको मैंने ये दिया है जो आपको मुझे लिखने बताएं इंडिपेंडेंस के बारे में, ठीक है। तो चलो, सबका होमवर्क नहीं आ रहा है, हितेन, आयुष, अर्ष, गौरी शंकर, प्रतिज्ञा, इन सबके वर्क रेगुलर नहीं आ रहा है। लव कुश वर्क कंप्लीट नहीं आ रहा है बेटा, खाली कृषा ही वर्क करिए, बाकी कोई वर्क नहीं कर रहे हो। वर्क नहीं करोगा तो करेंगे तो मैं पेपर चेक नहीं करूँगी। कल आप लोगों का ही गुजराती का एग्ज़ाम है, पीडीएफ मैं सुबह में भेज दूँगी, और साथ साथ मैथ्स का पीडीएफ भी भेजूँगी। मैथ्स का भी एग्ज़ाम आप लोगों को लास्ट वीक था, लेकिन आप लोगों को नहीं दिया गया था, इसलिए मैथ्स और हिंदी का पीडीएफ दोनों साथ में भेजूँगी, जो आपको कंप्लीट करके सोमवार तक जमा करवा के स्कूल में जाना होगा, ओके। तो चलो आज से मैं एक्सेप्ट करती हूँ, सबका होमवर्क आना चाहिए। रेडी, टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।